हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल डिस्कस विद ज्योमेट्री SP3D2। एग्जांपल के साथ करते हैं IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड ओके, आयोडीन की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 5s2 5p5। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। एस ऑर्बिटल है ये, पी ऑर्बिटल और ये डी ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल में 2 है, पी ऑर्बिटल में 5 है। तो पहले हम सिंगल सिंगल फिल करते हैं और फिर डबल, और डी ऑर्बिटल अभी खाली है इसका। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट बनानी है हमने। एस ऑर्बिटल में 1 रह जाएगा, पी ऑर्बिटल में सारे 1 रह जाएंगे और ये तीनों चले जाएंगे पेयरिंग वाले डी ऑर्बिटल में। एस का चला गया और दोनों पी के। तो ये ज्योमेट्री एस वाला कितना इन्वॉल्व है, 1, पी वाले 3 ऑर्बिटल, डी वाले 3, SP3D3 ऑर्बिटल। अब IF7 के लिए हमें बनाना था F1 2 3 4 5 6 एंड 7 बॉन्ड पेयर बने। तो ये कौन सी टाइप हो गई, AB7 टाइप। तो जो इसकी ज्योमेट्री है वो कैसी बनेगी, हमने टेबल के अकॉर्डिंग सारे देखे हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। दिस इज SP3D3, 7 बॉन्ड पेयर है। जो 5 बॉन्ड्स पड़ेंगे वो 70 डिग्री का एंगल होगा, जो 2 बॉन्ड होंगे वो 90 डिग्री के एंगल पे बनेंगे ओके। और जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी पेंटागनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री इज पेंटागनल बाय पिरामिडल। पिरामिडल और इसकी शेप जो होगी वो बना लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है ये इसका स्ट्रक्चर है, ये मैंने गलती से बना दिए ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। अभी हमने जो किए थे वो सिर्फ बॉन्ड पेयर वाले थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोन पेयर वाले भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।